चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। कार्यकर्ता है उत्साहित है, उनका मानना है कि एक बार फिर से द्वारका विधानसभा में आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलेगी। विनय मिश्रा मौजूद है, अभी यहाँ पहुंचेंगे, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि वास्तव में कितना बड़ा जन समर्थन वो देखते हैं, क्या लगता है। अनिल साहब, कैसा समर्थन रहा, प्रचार का अंतिम दिन है, पूरी द्वारका विधानसभा की जनता का पूर्ण रूप से बहुत तगड़ा समर्थन हमें मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। क्या लगता है, देखिए तमाम जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के उत्साहित हैं, उनको लगता है कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की जो झाड़ू है द्वारका विधानसभा में चलेगी। विनय मिश्रा यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम जो लोग हैं रास्ते में उनका रोककर अभिनंदन करते हुए। विनय भाई, कितना बड़ा जन समर्थन, बड़ा जन सैलाब है आज आपकी रैली में। आप देखिए हर घर से लोग निकल गए, जिनके चेहरे खुशी बता रही है कि वो लोग अरविंद केजरीवाल जी को कितना वोट देना चाहते हैं। तो क्या लगता है, द्वारका विधानसभा में एक बार फिर झाड़ू चलेगी, इस बार विनय मिश्रा होंगे? द्वारका विधानसभा के साथ साथ पूरी दिल्ली में फिर दोबारा झाड़ू चलेगी और 70 की 70 सीट जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आज जन समर्थन देख के, मेरे ख्याल कई घंटे हो गए आपको लगातार जो जनसभा है आपकी जारी है। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा, बाकी आप भी मेरे साथ घूमिए और देखिए और आप ओपिनियन बनाइए, क्या ओपिनियन बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय मिश्रा, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, कई किलोमीटर लंबी रैली के आगे चलते हुए खुली जीप में सवार तमाम जो समर्थक हैं आप देखें यहाँ मौजूद हैं। कैसा जन समर्थन देखा आज? बहुत बढ़िया समर्थन है, बहुत जनसंख्या के समर्थन है और विनय मिश्रा बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। एक बार फिर द्वारका विधानसभा में झाड़ू चलेगी, द्वारका विधानसभा में एक बार फिर झाड़ू, बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण बहुमत से पूरी झाड़ू आएगी, झाड़ू झाड़ू केजरीवाल की सरकार बनेगी, बिल्कुल बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। पार्टी के कार्यकर्ता उनका उत्साह देखते ही बनता है, कैसा लगता है आज जन समर्थन देख? बिल्कुल सर, झाड़ू यहाँ से निकल रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं और पूरे बहुमत, भारी बहुमतों से जीत रहे हैं 70 विधान में से। कुछ और लोग मौजूद हैं, तमाम देखें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ई रिक्शा का आनंद लेते हुए। कैसा कैसा जन सैलाब है आज प्रचार के अंतिम दिन? अपार जन सैलाब है, बहुत भरपूर समर्थन है आम आदमी पार्टी, ये सैलाब देख के लग रहा है कि 70 की 70 विधानसभा सीट जीत रही है। यहाँ से कम नहीं तो 60,000 वोटों से हम लोग मार्जिन से जीत रहे हैं। क्या सतीश साहब, इतना बड़ा जन समर्थन, भारी जन समर्थन मिल रहा है और ये एक तरफा जीत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और कोई भी पार्टी मुकाबले में नहीं है और खासकर जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है उसकी जमानत जब्त हो रही है। चलिए, माने आदर शास्त्री की तरफ इशारा है आपका? इशारा क्या, कैंडिडेट वही है कांग्रेस पार्टी के, तो वो इज्जत से अब यहाँ पे छोड़ के चले जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने अल्टीमेटम जारी कर दिया आप लोगों, जनता ने कर दिया, हमारा क्या, जनता का ये जनता उसको जो उनको जवाब दे रही है कि अब यहाँ से विदा कर जाए तो बेहतर रहेगा। अभी भी सर से NRI हो जाएंगे, वो फिर से NRI हो जाएंगे, NRI थे ही वो, तो NRI ही रहेंगे, अब वो PIO हो जाएंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ही विल परमानेंटली सेटल इन समवेयर एल्स, वो बाहर ही शिफ्ट हो जाएंगे, NRI से भी आगे हो जाएंगे वो। द्वारका विधानसभा में आम आदमी पार्टी का काफिला, तमाम जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको आपने सुना, साथ में विनय मिश्रा को आपने सुना। विनय मिश्रा को लगता है कि इस बार फिर से द्वारका विधानसभा में आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलेगी और 11 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तब आम आदमी पार्टी जो है एक बार यहाँ से फिर विजय पताका फहराएगी। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।